अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड अ होमोजेनियस सिस्टम हुज रोशन स्पेस इज स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स। हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन हैं। ये क्या है? होमोजेनियस सिस्टम्स है, स्पेस स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग सेट्स। इनको हमने क्या प्रूव करना है कि ये स्पैनिंग सेट्स हैं। तो मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया u1 u2 u3, यानी कि क्रॉसपोंडिंग जो वेक्टर्स हैं इनको u1 u2 u3 कह दिया, और लेट कर लिया एक वेक्टर v जो है वो xyz st। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने यहाँ पे कितने अननोन्स लेने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे जो वेक्टर्स गिवन है उसमें हमारे पास r5 की बात हो रही है, जो स्पेस है वो r5 है। तो इसीलिए जो हमने वेक्टर खुद से लेट करना है वो भी r5 ही होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो एंट्रीज हैं वो भी r5 से लेंगे। देन v बिलोंग टू w If and only if V is linear combination of the vector, कौन से vector? U1, U2, U3 that span W. W को span करें। देखें ये जो vector था इसको मैंने क्या किया, column wise लिख लिया, और यहाँ पे जो vector V given था इसको भी इस तरह लिख लिया। अब हमें पता है ये U1 है, ये U2 है, और ये U3 vector है, और ये हमारे पास V vector है। सबसे पहले क्या करना है, इसको रिड्यूस डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि लोअर ट्राइंगुलर या फिर अपर ट्राइंगुलर बनानी है। अपर ट्राइंगुलर तो नहीं बना सकते क्योंकि हमने xyz st यहाँ से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसीलिए मैं इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाऊंगी, यानी कि इस एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्रीज इस कॉलम में जीरो होनी चाहिए। मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया यहाँ पे r2 + 2r1, फिर r4 - 3r1 एंड r5 + r1। तो ये हमारे पास सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि R3 में चेंजिंग नहीं की, R3 में ऑलरेडी ही यहाँ पे जीरो था, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स में चेंजिंग आ जाएंगे। उसी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैंने क्या करना है, इसके अलावा बाकी ये वाली तीन रोज की जो एंट्रीज हैं इनको जीरो करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया r3 - 2r2, r4 + r2, r5 - r4। जब इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे r3, r4 और r5 में चेंजिंग आएंगी, चेंजिंग करने के बाद हमारे पास ये वाला चीज आ जाती है। अब मैंने क्या करना है, इसको जीरो बनाना है जी। इसके अलावा नीचे वाली टर्म हमने जीरो बनानी थी, तो इसको जब मैंने जीरो बनाया तो ये हमारे पास जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब बनता है जब उसकी ये वाली सारी एंट्री जीरो आ जाए और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो हमारे पास बुक में आंसर गिवन है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारा आंसर डिफरेंट आया है। इसी वजह से डिफरेंट आया है जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम पे डिपेंड करता है हम क्या करते हैं। आप लोग यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें, या फिर इस रो में से इस रो को माइनस कर दें। जब आप इस रो में से इसको माइनस करेंगे तो जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आएगी वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड करने से। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आती हैं वो डिफरेंट आती हैं। आप लोगों का मेथड ठीक होना चाहिए, और आपने जब यहाँ से इक्वेशन पिक करनी है तो इसकी हर टर्म जो है यहाँ पे राइट साइड पे सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि जो हमारा आंसर आया है वो डिफरेंट आया है और बुक का आंसर डिफरेंट है। वो हमने जब ऑपरेशन अप्लाई किए हैं तो उसी वजह से हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। द लास्ट टू एंट्रीज इन द फोर्थ कॉलम ऑन द राइट इक्वल टू जीरो, राइट साइड इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास जो फोर्थ कॉलम, ये वाला फोर्थ कॉलम है, इसकी राइट साइड की ये दो एंट्री जीरो हैं। तो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड होमोजीनियस सिस्टम, हमारे पास जो रिक्वायर्ड होमोजीनियस सिस्टम आएगा वो क्या आएगा, -5x - y + z + s = 0, 4x - s + t = 0, क्योंकि ये वाली इक्वेशन मैंने सेम यही दोनों इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख दिया है, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास 5x + y - z - s = 0 है, और ये 4x - s + t = 0 है। नेक्स्ट वन इसका बी पार्ट है। बी पार्ट को भी हम सेम इसी तरह, सबसे पहले इन वेक्टर्स को, क्रॉसपोंडिंग वेक्टर्स को मैंने लट कर लिया u1 u2 और u3 के इक्वल। ये u1 वेक्टर है, u2 एंड u3 वेक्टर्स हैं, हमने खुद से एक जो वेक्टर है वो लट कर लिया xyz st, क्योंकि इसमें भी 5 एंट्रीज हैं, ये r5 से हमने वेक्टर लिया है और ये वेक्टर्स भी r5 स्पेस से ही लिए गए हैं। देन v किससे बिलोंग कर रहा है, w से, इफ एंड ओनली इफ v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स u1 u2 u3, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो स्पैनिंग है। अगर ये स्पैनिंग है तो इसका क्या मतलब है, ये जो वेक्टर्स हैं इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। अगर ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, वो किस तरह की होगी, लाइक x u1 + y v u2
प्लस जी यू थ्री इज इक्वल टू वी। ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्स वाई और जी तीनों क्या है, अननोन्स हैं, यानी कि स्केलर्स हैं। यहाँ पे हमने एक ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ड्रा की है, ठीक है। ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमने जो ली है, यहाँ पे एम, ये सारी वैल्यूज वी की हैं और ये यू वन यू टू यू थ्री वैक्टर है, ठीक है। यू वन यू टू यू थ्री और ये वी वैक्टर है। आप लोग इसके ए पार्ट में भी ये चीज मैंशन कर सकते हैं, आप लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो हैं ये स्पैनिंग सेट्स हैं। ये स्पैनिंग सेट्स तभी होंगे जब इन वेक्टर्स को किसी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैंने दोबारा क्या किया, यहाँ पे हमने अगेन इस एंट्री के अलावा बाकी सारी जीरो बनानी है, तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेंगे। ऑब्वियसली मैंने आर टू में चेंजिंग की, आर टू में से माइनस आर वन को किया, फिर आर थ्री में चेंजिंग की, आर थ्री में से माइनस किया टू आर वन को, एंड आर फोर में चेंजिंग की, आर फोर में से माइनस किया आर टू को, आर फाइव माइनस आर फोर। तो ये हमारे पास आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव में मैंने चेंजिंग की। इस पे अगेन ऑपरेशन अप्लाई किया, इसके अलावा बाकी मैंने इन तीनों को भी जीरो बनाना था, तो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया आर थ्री प्लस आर टू, आर थ्री में चेंजिंग की, आर फोर में चेंजिंग की और आर फाइव में चेंजिंग की। तो यहाँ पे मैंने देखा ये वाली दो जो रोज हैं ये जीरो हो गई हैं, तो इसका क्या मतलब है, यही हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आएगा। द लास्ट टू एंट्रीज इन द थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, सॉरी यहाँ पे आएगा द लास्ट लास्ट नहीं थर्ड और फोर्थ रो ऑन द राइट साइड इक्वल टू जीरो। द लास्ट टू एंट्रीज द लास्ट कॉलम The last column in the third and fourth row on the right side equal to zero. Obtain the required homogeneous system. हमारे पास जो required homogeneous system equation आएंगी वो क्या आ जाएंगी, माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस माइनस टू एक्स प्लस माइनस वाई प्लस जी प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। अगेन मैं वही बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट आया है बुक के आंसर से, अगर हम इसके ऑपरेशन डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे तो इसका आंसर भी डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना, बस आप लोगों का मेथड ठीक होना चाहिए और इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।